भाई कितनी छोटी पतंग है ये देखो भाई कितनी बड़ी पतंग है। इसके बाद में ये रखते हैं, देखो गाइस कितनी छोटी पतंग आ जाए, इससे छोटी बना सकते हैं गाइस अगर आप कमेंट्स करोगे तो। गाइस जल्दी से जाओ, हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैक बाय एसटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम है और गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट, काइट से रिलेटेड होने वाला है गाइस आज का जो कंटेंट होने वाला है। तो गाइस ये काफी बड़ी पतंग आप देख रहे हैं भाई, और भाई आपने यूट्यूब वीडियो में या फिर मार्केट में कहीं ना कहीं छोटी पतंगे भी देखी होगी। तो गाइस आज हम उसी ट्रिक को यूज करके मतलब जो बड़ी पतंग है उसी का यूज करके हम एक मतलब छोटी शेप के अंदर है जो पतंग बनाने वाले हैं। तो गाइस इसके लिए हमें कुछ अपने जो सिंपली घर में होते हैं सभी के वो टूल्स सही होंगे, उसमें फर्स्ट टूल अपना सीजर कैंची और दूसरा जो अपना टूल है वो है गाइस टेप चिपकाने के लिए। तो गाइस ये दो टूल चाहिए और आपको एक पतंग चाहिए फ्रेश, या फिर आप कागज से बना सकते हैं लेकिन गाइस कागज से कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये ब्लैक पतंग है। तो गाइस एक ब्लैक कलर की पतंग बना के दिखाएंगे आपको, इसी के अंदर इसको एयर शेप में काटेंगे उसको, और फिर उसके बाद में मतलब कोई किसी भी आप जो बेकार पतंग आपके पास फटी पुरानी उसकी डंडिया यूज कर सकते हैं गाइस, ऐसी कुछ डंडिया होती है। तो गाइस वो डंडिया आप ले सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाकी आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप ऐसे छोटी पतंग बना के रख सकते हैं, अपने किसी आपके घर में कोई बच्चा है तो आप उसको बना के दे सकते हैं कि भाई ये देख भाई मैंने तेरे लिए छोटी पतंग बनाई है। तो गाइस अब सबसे पहले अपना जो काम होने वाला है, अपन इसकी डंडिया वगैरह कुछ नहीं हटाने वाले, इससे पहले मैंने जो पतंग बनाई थी उसकी डंडिया वगैरह सब हटाई। तो मैं सोच रहा हूँ भाई एक बड़ी सारी पतंग है तो इसी को स्क्वायर शेप में यहाँ से काट के और उसके बाद में डंडिया अटैच करके एक भाई ऐसी पतंग बनाई जाए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और आप मेरे वाला सेम जो तरीका है उसको फॉलो करके अपनी छोटी पतंग को रेडी कर सकते हैं। चलिए गाइस बनाते हैं। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसकी ये वाली जो डंडी है ना इसको हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ से अपन ऐसे करके और ऐसे एक स्क्वायर शेप में इसको काट लेंगे कागज को। तो गाइस ये चलो मैं कर लेता हूँ, आप देखते रहो। तो गाइस अब अपन ये देखो भाई इसकी ये जो साइड वाली डंडी आती है ना इसको हटा दिया, अब इस हम आसानी से इसको स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। तो गाइस चलिए काट लेते हैं इसको स्क्वायर शेप के अंदर, जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस आप भी वैसे वैसे कर सकते हैं या फिर कोई कागज का यूज करके भी आप पतंग जो बना सकते हैं। चलिए गाइस बनाते हैं। बाकी रंग बिरंगी पतंग बनानी है तो आप गाइस कोई रंग बिरंगी काइट ले सकते हैं जिससे आपका कलरफुल है जो काफी अच्छी लगेगी गाइस, पतंग रंग बिरंगी होती है छोटी छोटी पतंगे तो अच्छी लगती है गाइस। बाकी आजकल मार्केट में मिलती है लेकिन गाइस घर पर बनाते हैं तो गाइस वो एक्सपीरियंस एक अलग होता है गाइस। चलो भाई बनाते हैं। गाइस वी मेड फाइनली स्मॉल काइट पतंग, ये नहीं है गाइस अभी बताते हैं क्या बनाया। तो भाई ये देखो भाई अभी थोड़ी मतलब ऐसे काम चलाओ बनी है, लेकिन गाइस इससे अगर आप बोलोगे कि भाई नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चाहिए बढ़िया पतंग उड़ने लायक हो तो गाइस वैसे ही बनाएंगे। गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें हमने एक गलती कर दी, ये जो खुटा था ना इसका ये गाइस थोड़ा मोटा पतंग का यूज कर दिया, तो भाई ये पतंग रह गई छोटी, इसके अंदर हमने हैवी लकड़ी का यूज कर दिया तो गाइस इस वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी तो बढ़िया पतंग रहेगी। आप बताना बाकी आपको कैसी लगी। तो गाइस आप ऐसी ट्रिक का यूज करके आप अपने घर पे बच्चों के लिए ये स्मॉलेस्ट काइट मतलब जो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काइट है उसको बना सकते हैं घर पे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप पेपर का यूज़ करके बना सकते हैं, अपनी जो झाड़ू भी सीख होती है उसका यूज़ करके बना सकते हैं। बाकी मैंने तो भाई पतंग को ही स्क्वायर शेप में काट के उसी की डंडियों का यूज़ करके कुछ बनाया, तो भाई ऐसा बताना भाई आप कमेंट में कैसा लगा। बाकी दुनिया की सबसे छोटी पतंग हमने बना दी है भाई, ये देखो बिल्कुल छोटी पतंग है, इसके अंदर आप ऐसे करके छेद भी निकाल सकते हैं, तंग डाल सकते हैं, तंग डाल के भी दिखाएंगे अगर आप बोलोगे नेक्स्ट वीडियो में इसको उड़ा के दिखाओ तो गाइस वो भी उड़ा के दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले गाइस या तो हम सबसे बड़ी पतंग बनाएंगे इसके बाद में या फिर सबसे छोटी पतंग, तो गाइस बताना अब इनके कंपैरिजन में देख सकते हो भाई कितनी छोटी पतंग है ये देखो भाई कितनी बड़ी पतंग है। इसके बाद में ये रखते हैं तो गाइस कितनी छोटी पतंग आ जाए, इससे छोटी बना सकते हैं गाइस अगर आप कमेंट्स करोगे तो। गाइस जल्दी से जाओ और कमेंट्स में बताओ कि भाई नेक्स्ट है जो वीडियो किस कमेंट जो क्या वीडियो होना चाहिए अपनी, और काइट्स के साथ में अपने और क्या एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। चलिए गाइस अगर आपको आज की इस वीडियो में मजा आया तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलता हूँ ऐसे न्यू ब्लॉग न्यू कॉन्सर्ट। बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग।